मितेश ठक्कर से अब समझते हैं एक मार्केट का टेक्निकल सेटअप। मितेश गुड मॉर्निंग। मितेश आज ही नहीं पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने वो जो डिफरेंशियल उसको फिल करना शुरू किया है। क्या चार्ट्स पर अब निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी दिख रहा है? अनुज यस आई थिंक गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी क्लियरली अपनी जो अंडर परफॉर्मेंस को कवर करने की प्रोसेस है उसको चालू कर चुका है और आज भी इसने जो है 52,300 का जो कल का जो हाई था उस 52,285 के हाई के ऊपर ट्रेड करना चालू किया है। तो ये जो मेरा नियर टर्म टारगेट है इसमें करीबन 52,600 का है और अच्छे चांसेस है कि ये 53,000-53,100 के रेंज को भी टेस्ट करे। सो पॉजिटिव सेटअप है। उसके सामने आई थिंक निफ्टी आईटी में उतनी गिरावट का या प्रॉफिट बुकिंग का चार्ट बन रहा है। जो शॉर्ट टर्म चार्ट अगर आप देखें आवरली टू आवरली चार्ट तो निफ्टी आईटी में प्रेशर रहेगा। तो अगर किसी को ट्रेड भी करना है तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज फाइनेंशियल सेक्टर में ढूंढें और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज आईटी में। फाइनेंशियल्स में दो तीन प्रेफर्ड आइडियाज और आईटी में दो तीन प्रेफर्ड शॉर्टिंग आइडियाज क्या होंगे फिर? तो अनुज यहाँ पर मुझे लगता है कि आईटी में अगर आप शॉर्ट टर्म कलेक्शन के हिसाब से देखें तो इंफोसिस एंड डिस्कवर मेरे पास कुछ पुट ऑप्शंस हैं तो वेस्टर्न इंटरेस्ट है। यहाँ पर इन्फोसिस में लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग मूव चालू हुआ है। इसका जो पहला सपोर्ट था वो करीबन 1890 के आसपास था, वहीं पर ये आ चुका है स्टॉक। परंतु अगर ये इसको ब्रेक करता है तो अच्छे चांसेस है कि 1840 से 1830 की रेंज में स्टॉक जा सकता है, यानी कि 5-6% की और गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसके अलावा TCS मैंने अपने आपके साथी चैनल सीनियर टीवी रेटिंग पर सेल कॉल भी फायर किया है। आई थिंक यहाँ पर भी 4440-50 की रेंज को इसने तोड़ दिया है तो उसके ऊपर का स्टॉपलॉस लेके इसको शॉर्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग टारगेट जो रहेंगे 4250-4240 की रेंज में रहेंगे। तो ये तो जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं। उसके अलावा भी परसिस्टेंट टेक महिंद्रा के चार्ट अगर आप देखें तो क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल्स हम वहाँ पर दिख रहे हैं। मितेश जी गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ रेडियो स्टूडियो से। ये जुबिलेंट फूड्स को देखिएगा, 660-680 की रेंज में प्लेस्ड रहना, मल्टी ईयर हाई को क्रॉस करना, प्लेसमेंट ऑफ जुबिलेंट फूड्स कैसी लग रही है आपको इस वक्त किसी ट्रेड पर्सपेक्टिव से और किसी पोजिशनल ट्रेड पर्सपेक्टिव से? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। मेरा जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट है वो काफी पॉजिटिव है। जुबिलेंट फूड्स के मंथली चार्ट को या वीकली चार्ट को आप देखें तो बहुत अच्छा यहाँ पे सेटअप है एवरेजेस के, पोजिशन डायरेक्शन और इंडिकेटर्स की भी। मुझे लगता है इवेंचुअली ये स्टॉक अपने जो ऑल टाइम हाईएस्ट जो मंथली क्लोजिंग से रिकॉर्ड की थी वो थी September 21 में 805 की, उसको ये टेस्ट भी करेगा और शायद क्रॉस भी करेगा। परंतु इसमें जो एक ही मुझे वरी लग रही है वो ये है कि जो इसके जो रैली चालू हुई है वो अप्रैल से चालू हुई है और ये छठा महीना लगातार है कि स्टॉक यू नो बुलिश क्लोज के साथ बंद होगा। तो शॉर्ट टर्म चार्ट बहुत ज्यादा ओवरबॉट है। थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुक में स्टॉक नीचे में मिलता है तो प्रेफर्ड बाइंग रेंज होगी मेरी इसकी 630 से 620 के आसपास। स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन रहेगा वहाँ पे अगर ये स्टॉक उस रेंज तक आता है तो। और मेरा करंटली व्यू भी है कि ओवरबॉट होने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग में एक यू नो सिग्नल आ सकता है कि ये स्टॉक उस रेंज के आसपास अपने को बाय करने को मिले, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इसको बाय करें। अदरवाइज अगर इसकी रैली चलती रहती है तो फिर वो ओवरबॉट होते जाएगा, वो एक डिफिकल्ट व्यू है उसको कैच करना। परंतु प्रेफर्ड व्यू है कि लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से आप इसको अक्यूमुलेट करें। अगर आप ऑलरेडी अगर वो फियर ऑफ मिसिंग आउट एक फैक्टर होता है, अगर उससे लगता है कि ऐसा हो जाएगा तो थोड़ा अभी ले, थोड़ा गिरावट पे ऐड करने के लिए इसको रखते हैं। ओके अच्छा मितेश जी, दो हफ्ते से इनफैक्ट डेढ़ हफ्ते से मैं एक बात फील कर रहा हूँ कि लगातार कैपिटल गुड्स में जो है वो ओआई शेड हो रहे हैं। वो पोजीशंस जो शॉर्ट साइड पे कैपिटल गुड्स में आई थी वो धीरे धीरे इजेक्ट कर रही हैं, मतलब एग्जिट कर रही हैं, माफ कीजिएगा। L&T और बाकी रेस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, स्पेशली L&T जो कि एक बहुत क्रिटिकल एज पे है? आई थिंक अप्रैल से लेकर अब तक जो पूरी की पूरी रेंज रही है उसके हायर क्लस्टर को एक बार फिर से टेस्ट करता हुआ, कैपिटल गुड्स में कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आ रही हैं? इनफैक्ट विलियन मुझे L&T पे ही सबसे ज्यादा फोकस करने का मन हो रहा है। जो आपने बताया कि एक बहुत अच्छा इसने कंसोलिडेशन किया और अपर एंड के पास आ गया है और अब ये सिग्नल दिखा रहा है कि इस बार शायद ये 3760-3770 की रेंज को क्लियर कर जाएगा। और अगर ऐसा होता है वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर आती है तो मुझे लगता है 4000 के आंकड़े को भी ये छू जाएगा और पार भी कर जाएगा। तो सबसे बेस्ट स्टॉक L&T है। दूसरा जो स्टॉक मेरे फोकस में वो है ABB। करेक्शन के बाद ये स्टॉक गिर के साइडवेज हो गया है और एक बेस बिल्डिंग चल रही 7500-7480 ब्रॉडली नीचे में और करीबन 8000-8020 के लेवल्स ऊपर में। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि इसमें रेंज अगर ऊपर की तरफ से ब्रेकआउट देती है तो यहाँ पर 8020 के ऊपर एक अच्छा ट्रेडिंग मूव मिल जाएगा और स्टॉक शायद 8600-800 की रेंज में चल जाएगा। परंतु बेस्ट स्टॉक जो आपने हाईलाइट किया था मेरे लिए भी L&T है। वीकली क्लोजिंग अबाउट 3775 आई थिंक वुड बी अ गुड ट्रिगर, उसके ऊपर आप इसमें बाय करें और 4000 के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके अच्छा मितेश, एक ओपन क्वेश्चन, आपके कुछ प्रेफर्ड आइडियाज लॉन्ग या शॉर्ट?
मिड कैप स्पेस में? एक स्टॉक जो मैं अक्यूमुलेट कर रहा हूँ डिस्क्लेमर के साथ कि मेरे पोर्टफोलियो में भी है, वो है गोदरेज एग्रोवेट। स्टॉक पिछले कई हफ्तों से 860 से लेकर करीबन 780 770 की रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक जल्दी, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म चार्ट बुलिश है, मुझे लगता है कि इसके चांसेस ये हैं कि ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट देगा। तो 860 के ऊपर ट्रिगर रहेगा, तब तक आप धीमे धीमे इसको अक्यूमुलेट करें और 860 के ऊपर आप एग्रेसिवली इसमें बाय कर सकते हैं और यहाँ पर मुझे लगता है कि अच्छी तेजी देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा आई थिंक जो अगेन ये भी ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, जो एक अच्छा रिवर्सल हमने इस महीने देखा है, वो है बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था SBI कार्ड्स, और इस महीने करीबन 10% की तेजी स्टॉक दिखा चुका है नीचे के लेवल से। इसके भी लॉन्ग टर्म चार्ट्स में रिवर्सल के सिग्नल्स चालू हुए हैं, तो यहाँ पर भी अक्यूमुलेट करें, करंट लेवल्स पे बाय करें, 775 770 के यार मेरे को आसपास बोलो वाले ऐड करें, और स्टॉप लॉस अगर इसमें 740 का, मुझे लगता है कि स्टॉक 900 के ऊपर के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्ते से महीनों में दिखा सकता है। चलिए मितेश, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए,